जी 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 आप नाम बस ठीक से लिख दीजिए, KKGSR डब्बा सर्विस। लगता है लाड़का बना पधारे। What the hell is this? What's this mess? ये रूम साफ करो now. जी जी शुक्ला जी, हम दोपहर तक खाना तैयार कर देंगे, आप आके डब्बे ले लीजिए। जी क्या कर रहे हैं? तुम्हारी बात खत्म हो गई, अब रूम साफ करो। लेकिन ये सब हमारी काम की चीजें हैं और हमने ये सब सिर्फ हमारे हिस्से में रखा है, तो जब तक रूम साफ नहीं होगा ये नहीं मिलेगा। नहीं करेंगे। फिर ये भी नहीं मिलेगा। अरे पटेल जी आइए। जी नमस्ते। श्याम बाबू, आपने जिस डिजाइन की बात की थी वो घड़ी हम ले आए हैं। अच्छा हरिप्रकाश जी, वो रानी साहब कहाँ पे हैं? हमें तो पता नहीं, हम देख आते हैं। आई जी। आप कुछ कह रही थी? हाँ दी, हम कह रहे थे कि आज हम बहुत खुश हैं। हम हमेशा से यही चाहते थे, सबके लिए खाना बना के कमाना, और आज हमारा सपना पूरा हुआ है, तो अब हम चैन से मर सकते। ऐसा नहीं कहते, भगवान करे आपको हमारी उम्र भी लग जाए। स्टॉप इट दी। वो क्या है ना, छोटे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम ऐसी बातें करें। छोटे को लगता है कि हम बात करेंगे ना तो वाकई में हम। अगर आप जानती हैं तो क्यों बोल रही हैं? छोटे, हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि भगवान खुशी जी को बहुत बहुत लंबी उम्र दे। अंजलि दीदी, जीजा जी आपको बुला रहे हैं। हम आते हैं। लक्ष्मी जी, दी कितनी अच्छी है ना, हमने ऐसे ही मरने की बात की और दी भावुक हो गई। भगवान करे आपको हमारी उम्र भी लग जाए। खुशी जी हमारी जिंदगी बन चुकी और अब हम दोनों के बीच में सिर्फ एक रुकावट है, रानी साहिबा। हम सिर्फ आपको चाहते हैं खुशी जी, हम रानी साहिबा को अपनी पत्नी नहीं मानते। अगर आपके लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता तो आप ये शादी तोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दीजिए अंजलि जी को। कहने लगी कि जस्ट स्टॉप इट। रानी साहब, पटेल जी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट और इनका इंपोर्टेड घड़ियों का बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अच्छा, तो आप ये घड़ी ले नहीं रहे हैं? वो नहीं नहीं पटेल जी, हमने तो बस आपको चाय पे बुलाया था, अपनी रानी साहिबा से भी तो मिलवाना था। पटेल जी ये घड़ी हमें नहीं लगता कि हम। लेकिन श्याम बाबू, आप ही ने कहा था। हाँ वो होली के दिन हमारी घड़ी तो बिगड़ गई थी तो हम सोचे कि नहीं ले लेंगे, पर हाँ, और आपने इस डिजाइन को पसंद भी किया था। अगर आपको पसंद है तो आप। नहीं नहीं रानी साहिबा, इतने से शौक को पूरा करने के लिए 75,000 की घड़ी, और इस वक्त तो हमारे अकाउंट में भी। हम अपनी पुरानी घड़ी रिपेयर करवा लेंगे रानी साहब। अरे रानी, रानी साहिबा ये सब क्यों?
ये लीजिए पटेल जी। थैंक यू। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। रानी साहब आप भी ना, अभी इतने फिजूल के खर्चे करने की क्या जरूरत है? हमारी राजकुमारी के पापा के लिए कोई भी खर्चा फिजूल का खर्चा हो ही नहीं सकता। एक बात कहें रानी साहब, जितना ख्याल हमें आपका है उससे कहीं ज्यादा आपको हमारी खुशियों का ख्याल। आप हैं तो हम हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? दीन है तो बस मेरी दीन है वो, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। क्या हमने क्या किया? मैं कुछ कहता नहीं हूँ, doesn't mean कि मुझे कुछ पता नहीं। क्या पता है आपको? साफ साफ बताइए कि आप आवाज नीचे करो। नहीं करेंगे नीचे, क्या करेंगे आप? और आप जो हमें दर्द देते हो उसका क्या? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। खुशी आवाज नीचे। लेकिन एक बात आप हमेशा बोलते हैं मिस्टर नरसिंह रायसादा, और करते भी हैं, जिससे दर्द हो और चोट पहुंचे। क्योंकि तुम हमेशा से ये डिजर्व करती हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम उसी के लायक हो। इनफैक्ट आगे जाकर तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। तुझे मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी मिल नहीं सकता। नहीं होता कि आप वही इंसान हो जिससे आई विश मैं सबको साफ साफ बता सकता तुम्हारी घटिया हरकतों और तुम्हारी घटिया बातों के बारे में। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाला, खास करके नासूम पे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे इनसे कमजोर नहीं कर सकती। नहीं, आज के बाद हम इन्हें आप पे जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जिस इंसान का दिल पत्थर जैसा हो उसके लिए हम एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। अब इनफ। नहीं, जल्दी आइए रानी साहब। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि वो लोग झगड़, हमने अपने कानों से सुना है। हम तो कब से आपसे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन आप चलिए कोई नहीं, आप साले साहब को संभालिए। इसी के लायक है ना, इसी दर्द के तो बर्दाश्त करने दीजिए, हमें तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। छोटे, यादी सुने तो हमें फिक्र हो गई। ये तो आम बात है कि मियां बीवी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन खुशी जी आप ठीक तो है ना?
हम ठीक है। डोंट वरी भी, सब ठीक है। आई एम श्योर जीजा जी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अरे साले साहब, हमने आवाजें सुनी इसलिए हम घबरा गए। सब ठीक है जीजा जी, मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। खुश जी, सच में सब ठीक है ना? ती मैं कमरे में था और खुशी यहां पर, इसलिए चिल्लाकर बात कर रहे थे। बच्चे चलिए चलिए। हमारा यकीन मान, हमें पक्का पता है वो लोग झगड़ रहे थे और कुछ ना कुछ बात वो हमसे जरूर छिपा रहे, पर इस तरह उनकी शादी हो जाना, मतलब आपको पता है अब तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हमें लगता है हमें इस बारे में ना नानी से बात करनी चाहिए। हाँ रानी साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब तो बड़ों को ही तय करना चाहिए कि समस्या को कैसे हल किया जाए। चलिए रानी साहब। It's a pure